हेलो डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी खिदमत में प्रकाश रूपचंद और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस बाय प्रकाश रूपचंद। आज मैं पेशे खिदमत हूं एक नए लेक्चर के साथ जो रिलेटेड है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे द स्कोप ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। हम जानेंगे कि इस सोसाइटी में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट की क्या वैल्यू है और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आफ्टर सिलेक्टिंग द डिसिप्लिन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस विच जॉब्स विल बी प्रोवाइडेड इन द फ्यूचर आफ्टर ग्रेजुएटिंग। सो अगर हम स्कोप की बात करें तो दो सेंस में हम इसको ले सकते हैं, एक जॉब की सेंस में और एक सर्विस की सेंस में। हम इस लेक्चर में दोनों टर्म्स को डिफाइन करेंगे कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की इन द टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या स्कोप है और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की इन द टर्म्स ऑफ सर्विसेज क्या स्कोप है। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अगर हम सर्विस की बात करें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की, तो इसकी बहुत ही वास्ट एरिया है। देखें, लाइब्रेरी का जो ताल्लुक है वो बुक से है और बुक्स एंड एजुकेशन बोथ आर इंटरकनेक्टेड टर्म्स। एज द नीड ऑफ एजुकेशन आर एजुकेशन इज डेवलपिंग डे बाय डे, सो नीड्स ऑफ द बुक्स आल्सो डेवलप डे बाय डे। जहां एजुकेशन की डेवलपमेंट होती है, जहां पे मॉडर्न सोसाइटी गोइंग टूवर्ड्स बी द एजुकेटेड, वहाँ पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट की भी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि एजुकेशन के लिए बुक्स की जो है वो नीड होती है। और बुक्स को या फिर आर्चिव्स को या फिर डॉक्यूमेंट को, कोई भी मटेरियल है उसको सेव करने के लिए जो है वो लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस हवाले से अगर हम इसको देखें तो लाइब्रेरी की जो है वो नीड इस सोसाइटी में हमेशा रहनी है। दूसरी बात ये कि लाइब्रेरी नॉट ओनली प्रोवाइड द प्लेस फॉर स्टडी बट इट सेव द कल्चर कस्टम एंड द होल हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशन के डेवलपमेंट और लाइब्रेरी के इस इंतहाई बारीक और गहरे ताल्लुक के लिहाज से अगर हम देखें तो थ्रू आउट द कैरियर और थ्रू आउट द फ्यूचर लाइब्रेरी की जो अहमियत है या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट की जो अहमियत है वो रहनी ही रहनी है। उसके अलावा अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो वो भी इसकी जो है ना एक अलहदा और अपनी जो है वो एग्जिस्टेंस रखता है जॉब के हवाले से भी ये डिपार्टमेंट, क्योंकि इस सोसाइटी में लाइब्रेरी को डिफरेंट कैटेगरी में जो है वो क्लासिफाई किया गया है। पब्लिक लाइब्रेरी है, प्राइवेट लाइब्रेरी है, एकेडमिक लाइब्रेरी है और स्पेशल लाइब्रेरी है। फिर एकेडमिक लाइब्रेरी को फर्दर क्लासिफाई किया गया है स्कूल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी में। उसके अलावा जो डिफरेंट म्यूजियम्स हैं उसमें भी लाइब्रेरीज होती हैं, डिफरेंट रिसर्चर्स अकेडमीज़ हैं या फिर रिसर्चर्स इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे भी स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं। तो लाइब्रेरीज़ को रन करने के लिए, लाइब्रेरीज़ का जो सारा सिस्टम को संभालने के लिए, जाहिर सी बात है लाइब्रेरियन की ही नीड पड़ेगी। और वो लाइब्रेरियन कहाँ से प्रोवाइड होंगे, वो लाइब्रेरियन की जो नीड है इन दी सोसाइटी वो कौन फुलफिल करेगा, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट। तो इस लिहाज से भी लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस की जो है वो एक अपनी अहमियत है और सर्विस के लिहाज से भी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की एक अलहदा अहमियत है। इस वक्त अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में 18 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो BS डिग्री फ्राहम कर रहे हैं लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में। 14 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मास्टर डिग्री प्रोवाइड कर रही हैं। 10 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की जो हैं वो
एमफिल डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं और 6 यूनिवर्सिटीज इन द पाकिस्तान प्रोवाइडिंग द पीएचडी डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। अब कौन से जॉब्स हैं जिसके बेस पे आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं इन द लाइब्रेरी? तो वो जॉब्स हैं, सबसे पहले तो लाइब्रेरियन, उसके अलावा रेफरेंस लाइब्रेरियन, कैटलॉगर, क्लासीफायर, लाइब्रेरियन असिस्टेंट, डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट और बहुत से डिफरेंट जो है वो जॉब्स हैं इस फील्ड में। अब एक ये भी कहना है या फिर एक ये भी मिथ है कि आजकल जो दौर है, मॉडर्न इरा डिजिटल होता जा रहा है, तो मैनुअल बुक की कोई अहमियत जो है इतनी खास रहनी नहीं है इन द फ्यूचर, क्योंकि सारा जो मटेरियल है वो इन द पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। तो हार्ड बुक जो है वो कोई प्रिजर्व नहीं कर रहा, हार्ड बुक को कोई प्रीफेयर नहीं दे रहा, तो फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की अहमियत जो है इन द फ्यूचर क्या रहनी है? तो उसके लिए ये बेस्ट आंसर है कि अगर मैनुअल बुक्स ख़त्म हो जाते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं डिजिटल सिस्टम में, तो जो वर्चुअल लाइब्रेरी हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट इसको बेहतर जानते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी को, तो वर्चुअल लाइब्रेरी को रन करने के लिए वो भी लाइब्रेरी नहीं रन करेंगे। तो आज जो मैनुअल काम है लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी में बैठ के करते हैं, बुक्स को क्लासीफाई करना, बुक्स को अरेंज करना, तो वो सेम काम जो है वो डिजिटल वे में ऑन द कंप्यूटर्स जो है वो लाइब्रेरियन करेंगे। तो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट की जो अहमियत है वो किसी भी लिहाज से कम नहीं होगी। और अगर देखें तो इसकी अहमियत अगर डिजिटल दौर में भी मज़ीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि डिजिटल जो दौर है या डिजिटल इरा है उसमें जो वर्चुअल लाइब्रेरीज हैं उनको मैनेज करने के लिए भी लाइब्रेरियंस की नीड पड़ेगी। तो द मोस्ट कॉम्पिटेंसीज पजेजेज लाइब्रेरियन विल बी बेनिफिशियल फॉर द अरेंजमेंट ऑफ लाइब्रेरी। तो हमने ये देखा कि लाइब्रेरी की जो अहमियत है वो सोसाइटी में जॉब्स के हवाले से भी किस तरह से है, और उसके अलावा सोसाइटी में एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिहाज से, सर्विसेज के लिहाज से भी कितनी अहमियत है। तो दोनों चीज़ को हमने कंपेयर करके ये फाइनलाइज किया कि इन द फ्यूचर लाइब्रेरी की जो अहमियत है वो रहनी ही रहनी है, चाहे वो डिजिटल दौर हो या फिर मैनुअल दौर हो। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आई है, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक यू।